हाय हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइसी प्लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही यम्मी, टेम्पटिंग और स्पाइसी है और बहुत ही कम वक्त में कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में या टी टाइम स्नैक की तरह या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने तकरीबन एक कप जितना डोसा बैटर लिया हुआ है, डोसा इडली बैटर जिसे हम कहते हैं, उसे लिया हुआ है और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। अब मैंने टमाटर, प्याज और कैप्सिकम को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। बैटर के अंदर सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे, कि एक मीडियम साइज का प्याज लिया था मैंने। अब मैंने जो कैप्सिकम लिया था उसे ऐड कर देंगे, ये हाफ कैप्सिकम है। और दो छोटे साइज के टमाटर को मैंने कट कर लिया था, उसे भी ले लेंगे। मेन इंग्रेडिएंट की बारी। दोस्तों, ये सेजवान सॉस है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में सारे मसाले अवेलेबल होते हैं और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। तो मैंने इसे लिया हुआ है 2 बड़े चम्मच और सारे बैटर के अंदर और वेजिटेबल के साथ इसे मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। ये देखिए, एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच भर के हम बैटर को पॉर करेंगे और एक सर्कल शेप बना लेंगे। दोस्तों, उत्तपम हमारा थोड़ा सा मोटा ही होता है उसकी थिकनेस, तो हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। और जैसे कि आपको पता है कि बस आधी चम्मच ऑयल का हमने यूज़ किया है, आधी चम्मच ऑयल हमने स्प्रेड कर दिया था। और ये देखिए, मैंने इसे पलट भी लिया है, कितना डिलीशियस कलर आया है। खाने में भी ये बहुत ही टेम्पटिंग है, आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, मॉर्निंग में भी बना सकते हो या इवनिंग स्नैक की तरह भी आप इसे बना सकते हो। बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। दोस्तों, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये देखिए, मैंने इसे पलट कर देख लिया है, अभी दूसरी साइड भी हम देख लेंगे कि ये अच्छी तरह से नीचे से भी सिका है कि नहीं। आइए पलटते हैं। वाओ, दूसरी साइड भी ये बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका था। सेम इसी तरह से मैंने ये दूसरा उत्तपम भी बनाने रख दिया है, आप देख सकते हो। आधी चम्मच ऑयल स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। और अब इसे पलट लेंगे। दोस्तों, पलटते वक्त हल्की सी सावधानी रखना जरूरी है ताकि ये टूट ना जाए। वाओ, ये देखिए, है ना बढ़िया कलर और खाने में भी मजेदार। दोस्तों, एक एक करके मैंने सारे बैटर के उत्तपम अब बना लिए हैं। ये देखिए, ये वाला भी रेडी है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, आइए फटाफट प्लेटिंग भी कर लेते हैं। और सांभर के साथ मैंने अपने सेजवान उत्तपम को सर्व कर लिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हो मेरे नेक्स्ट वन में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।